दोस्तों, मोबाइल फोन एक ऐसा गैजेट है जिसके बिना मानो तो जिंदगी अधूरी सी हो। और आज के दौर में शायद ही ऐसे लोग होंगे जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करते हों, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कोई आम फोन। हालांकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किया किसने है? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर नाम के इस व्यक्ति को मोबाइल फोन बनाने का आइडिया दरअसल एक टीवी सीरियल से आया था। इसके बाद मानो तो मोबाइल फोन की दुनिया में क्रांति सी आ गई, और आज के समय में मोबाइल फोन के बिना जिंदगी जीना तो दूर, सोचना भी असंभव लगता है। तो चलिए दोस्तों, मार्टिन कूपर के सफर को हम शुरू से जानते हैं। मार्टिन कूपर का जन्म आज से करीब 92 साल पहले 26 दिसंबर 1928 को संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम आर्थर कूपर और माँ का नाम मैरी कूपर था। अगर हम बात करें उनके पढ़ाई की, तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने शिकागो से ही की, जहाँ उनका बचपन बीता था। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1954 में उन्होंने मोटोरोला कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जो उस समय टेलीफोन और उसके पार्ट्स बनाने का काम करती थी। 3 साल तक काम करने के बाद उन्होंने काम के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी और इलिनॉइज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर किए। एक दिन मार्टिन स्टार ट्रिक नाम का सीरियल देख रहे थे, जिसमें टेलीफोन को हाथ में लेकर बात करते हुए दिखाया गया था, जिसे देखकर वे सोचने लगे कि क्यों न एक ऐसा फोन बनाया जाए जिसे लोग कहीं भी आराम से ले जा सकें। और करीब 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद 70 के दशक में उन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाया, जो कि आजकल के मोबाइल फोन से बिल्कुल अलग था। अपने इस आविष्कार के बाद मार्टिन ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ दिया कि फोन सिर्फ लैंडलाइन से ही की जा सकती है। उस समय इस फोन का वजन करीब 850 ग्राम से भी ज्यादा का था, और जहां आज के फोन को हम कुछ मिनटों में चार्ज कर लेते हैं, वहीं इस फोन को चार्ज करने में करीब 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था। इतनी देर चार्ज करने के बाद भी ये फोन सिर्फ 20 मिनट ही चल पाता था। और दोस्तों, उस समय इस फोन की कीमत करीब 3500 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि आज के इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,45,000 की हो जाती है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी मोबाइल फोन कंपनी एप्पल से भी कई गुना ज्यादा था। और अपने इस फोन से मार्टिन ने अपने दोस्त जोएल एंजल को पहली बार फोन किया था। अब वो दौर आ चुका था जहां लोग तेजी से इंटरनेट से जुड़ने लगे थे, लेकिन उन दिनों इंटरनेट आज से भी काफी धीरे हुआ करता था। इस समस्या को देखते हुए मार्टिन ने साल 1992 में एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें वे स्मार्टफोन एंटीना और तेज ब्रॉडबैंड पर काम करने लगे, जो कि मोबाइल फोन चलाने वालों को सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती थी। और फिर साल 2003 में उन्होंने आईब्रस्ट के नाम से एक ब्रॉडबैंड वायरलेस सिस्टम को शुरू किया, जो आज के समय में दुनिया के कई देशों में तेज इंटरनेट का सुविधा दे रही है। अगर हम बात करें मार्टिन के निजी जीवन की, तो एयरलेज हैरिस से उन्होंने शादी की, जो कि खुद भी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से निकली इंजीनियर हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं, और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।